दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आर्मी डे यानी सेना दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है। अगर आपको भी नहीं पता तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 15 जनवरी भारतीय थल सेना के लिए बेहद ही खास दिन है। दरअसल दोस्तों, वर्ष 1949 में इसी दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। फ्रांसिस बूचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। दोस्तों, सेना की कमान लेने के बाद फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारतीय आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष इस दिन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी दिन राजधानी और सभी सैन्य मुख्यालयों पर सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इस दौरान पूरा देश थल सेना के अदम्य साहस, वीरता, उनके शौर्य और कुर्बानियों को याद करता है। आज यानी 15 जनवरी 2022 के दिन 74वां आर्मी दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय आर्मी का गठन 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में किया था। सेना पर देश की आज़ादी से पहले ब्रिटिश कमांडर का कब्जा था। दोस्तों, इसके बाद साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब भी भारतीय सेना का अध्यक्ष ब्रिटिश मूल का ही होता था। दोस्तों, करीब 2 साल बाद 15 जनवरी 1949 में आज़ाद भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर ने भारतीय सेना की कमान भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा को सौंपी थी। इसके बाद ही वह आज़ाद भारत के पहले भारतीय सैन्य कमांडर बने थे। भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में ये शामिल है। इसलिए दोस्तों, 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आर्मी डे को मनाने का मकसद उन सभी शहीदों को सलाम करना भी है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए, और उन सैनिकों को भी सलाम करना है जो देश की सेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों, 1899 में कर्नाटक के कुर्ग में जन्मे फील्ड मार्शल करियप्पा ने महज 20 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी शुरू की थी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में जापानियों को शिकस्त देने के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के सम्मान से भी नवाजा गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि करियप्पा ने वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर सेना का नेतृत्व किए थे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि आर्मी डे यानी सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, आखिर इसका क्या महत्व है। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक और वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर करिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।